वेलकम बैक टू माई चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की बुक हॉर्नबिल का सेकेंड चैप्टर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। सो ये इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है, तो किसी की स्टेटमेंट है। ये लिखा गया है गॉर्डन कुक एंड एलन हेस्ट ने। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। सो ये जो चैप्टर, इसमें जो नरेटर है हमारा, वो एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है और उनका एक ड्रीम है कि वो सेल करे एक फेमस एक्सप्लोरर की तरफ, जो 200 ईयर्स बैक कैप्टन जेम्स कुक ने एक वर्ल्ड वोएज की थी। वो इनका ड्रीम था और इनकी जो फैमिली थी, इनकी फैमिली में आती है इनकी वाइफ मैरी, इनका बेटा जॉनथन एंड वो 6 ईयर्स का, इनकी बेटी डॉटर सुजैन, शी इज 7 ईयर्स ओल्ड। तो ये लोग वही एक वोएज करना चाहते जो इनका एक ड्रीम था, और उनने एक बोट बनाई थी जिसका नाम वेव वॉकर था। वो एक प्रोफेशनली बिल्ट बोट थी और उन्होंने काफ़ी मंथ्स स्पेंड किए थे इसको बनाने में और उसको टेस्ट किया था रफेस्ट वेदर के लिए। 16 ईयर्स इनको लगे थे। इन्होंने अपनी जो सी फेयरिंग स्किल्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इस पानी में सीखी हुई थी। जो इनका जो इनकी जो जर्नी स्टार्ट होती है, इनका जो फर्स्ट पार्ट था वो 3 ईयर का था, वो काफ़ी अच्छे से बड़े प्लेजेंटली गुजर जाता है फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। लेकिन ईस्ट की ओर जाने से पहले इन्होंने अपने साथ 2 क्रूमैन ले लिए, अमेरिकन लैरी विगल एंड स्विस हर्ब सिगलर, ताकि जो भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि इनको जाना था, इनको जो इनका जो आगे वाला जो सफ़र था, इनको एक सी में जाना था द साउदर्न इंडियन ओशन। तो जो इनका सेकेंड वाला जो हिस्सा था, जो केप टाउन सा, जो अभी केप टाउन से निकले थे इन्होंने, वो अब जब स्टार्ट किया तो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग गेल्स आ गए, बड़ी हवाएं चल रही है तेज़, कुछ हफ्तों के लिए हवाएं कंटिन्यूसली चले जा रही है। अब पहले तो इन्होंने परेशान नहीं हुए थे इन विंड से, लेकिन इसका जो साइज था काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग था, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इनका जो मेन मास था उनके ऊपर से चला गया। ऑन 25 दिसंबर जब क्रिसमस था, इन्होंने 35,000 किलोमीटर्स जो था ईस्ट ऑफ केप टाउन से, वो इन्होंने पार कर लिया था और वेदर भी काफ़ी रफ था, और इन्होंने फिर भी अपना जो हॉलीडे है वो अच्छे से, सॉरी, जो इनका क्रिसमस था वो उन्होंने अच्छे से सेलिब्रेट किया। लेकिन न्यू ईयर तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई वेदर में, और ये आपस में दिलासा दे रहे थे कि विंटर वेदर जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन चेंज तो हुआ, लेकिन वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। ऑन जनवरी 2 एट द डॉन टाइम ये जो वेव्स थे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज हो गए, और इन्होंने सेल क्या किया, इनकी जो बोट थी वो किस स्पीड से चल रही थी, 8 नॉट्स से, तो उसको थोड़ा सा स्पीड कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, डबल लैश कर दिया, ठीक है। और वेव्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि इनके कानों में दर्द होने लगा था, ठीक है। और इन्होंने कुछ को, अब इनको पता था कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ ऑयल स्किन, डूंड ऑयल स्किन लाइफ जैकेट्स पहन लिए। अब जो फर्स्ट इंडिकेशन थी, जो डिजास्टर होने वाला था, 6 बजे के करीब कि बिल्कुल खामोशी, सन्नाटा छाया हुआ था, ठीक है। तूफान से पहले वो एक सन्नाटा छाता है, वो आप लोगों ने सुना होगा, तो वैसा ही था। विंड थोड़ी सी रुक गई, लेकिन स्काई जो था काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो गया, और जो नरेटर था उसको लगा था कि उनके शिप के ऊपर एक क्लाउड है। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो रियलाइज़ करता है कि ये कोई क्लाउड नहीं है, वो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी वेव थी, ठीक है। और वेव जो है वो रोर करने लगी और इंक्रीज़ करने लगी, उसकी जो थंडरिंग है इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगी कि इनका जो ये जो पूरी वेव है इनके डेक के ऊपर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है, एक टॉरेंट, एक नदी जो है, पानी सारा अंदर आ जाता है इनके शिप के अंदर। और जो नरेटर का जो हेड है वो किसके साथ लग जाता है, व्हील के साथ, और इसको लगता है कि अब मैं डूब गया और मैं मर जाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाए। लेकिन अचानक से इसका जो हेड है वो पॉप्ड आउट हो जाता है वाटर में से, और जो वेव वॉकर वो थोड़ी दूरी तक होती है, उसको लगता है कि अभी जो है, क्योंकि वो एक साइड से गई होती है, बैलेंस नहीं होता है अब वेव वॉकर का, और इसको लगता है अभी जो हमारी वेव वॉकर है वो कैप्साइजिंग, दैट मींस वो डूब जाएगी। अचानक से एक वेव हो जाती है और इनकी जो वेव वॉकर है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। तो ये भी कुछ गार्ड रेल्स को पकड़ के अंदर चले जाते हैं वेव वॉकर के, और ये जो वेव्स है, जो पानी है, वो उसको टॉस कर रही है लाइक रैग डॉल, जो फटी पुरानी डॉल होती है ना, उसी की तरह। इसकी वजह से नरेटर की रिब में क्रैक हो जाता है, उसका दांत टूट जाता है,
आता है और बिल्कुल जो माउथ में है वो खून से भरा हुआ आता है, हर साइड में पानी भरा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये क्या करता है, ये व्हील के पास जाता है, इतना करेजस होता है, व्हील के पास चला जाता है ताकि बोट किसी और डायरेक्शन में पानी है, और ये व्हील को छोड़ नहीं सकता था अकेले, क्योंकि बोट किसी भी तरीके, उसकी वाइफ आ जाती है और वो चलाती है, वे आर सिंकिंग, और डेक जो है पूरा स्मैश खराब हुआ होता है, हर तरफ से पानी भरा हुआ होता है, और ये अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम व्हील को पकड़ो। और लैरी और हर्ब जो थे, जो इनके क्रूमैन थे, वो काफी पागलों की तरह वो पंप कर रहे थे, वाटर को बाहर निकाले थे, हर हर कोई चीज़ टूटी हुई थी, ठीक है। और वहाँ पे जो स्टार बोर्ड जो था वो पूरा खराब हो गया था, टूट गया था, क्लोज, क्रॉकरी, चार्ट्स, टॉयज, वो पूरे पानी में जो थे वो डूबे हुए थे। ये थोड़ा सा स्विम करके गया, क्रॉल करके गया बच्चों के कैबिन में, उनको पूछा कि ठीक हो, और वहाँ पे जो स्यू है उसको थोड़ी बहुत लगी थी, तो उसको, उसके पास टाइम नहीं था नरेटर के पास कि वो उसकी चोट को देखता, ठीक है। और वो ढूंढने लगा हैमर, स्क्रूज, कैनवास, ताकि वो थोड़ी सी रिपेयर कर सके, ताकि पानी और अंदर ना आए, ठीक है, और वो लोग बच सके, वो डूबे ना। समहाउ उसने मैनेज किया, उसने कैनवास का एक पानी, कैनवास इज अ काइंड ऑफ क्लोथ, वाटर प्रूफ क्लोथ, ताकि पानी अंदर ना आए, तो वो और कुछ होल्स जो थे उसको भी रिपेयर कर लिया। समहाउ पानी जो है थोड़ा सा रुक गया था, लेकिन अभी भी पानी अंदर आ रहा था। मेन प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब इनके हैंड पंप्स जो है बिल्कुल खराब हो गए, ब्लॉक हो गए, एक को एक दूसरा जो था उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, और वाटर लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ रही थी। तो उसको याद आ गया कि नीचे जो है चार्ट रूम में जो है वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पंप पड़ा हुआ था, और समहाउ वो चल गया, और थैंकफुली वो जब वर्क कर गया तो पानी ये बाहर निकालने लगे, और इनकी जो चीज़ें थी जैसे फोर स्टेल जिप डिंगीज काइंड ऑफ बोट होती है, वो सारा खो गया था, कुछ नहीं मिल रहा था। तो पूरी रात ये ऐसे ही लगे हुए थे, पानी बाहर निकाल रहे थे, मेडिस कॉल्स डैट मीनसेस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे रेडियो सिग्नल से, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि इस टाइम एक रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में थे। स्यू का जो हेड था जो स्वेलो हो गया था, वो काफी ज्यादा स्वेलो करने लगा, उसकी आईज ब्लैक हो गई थी, उसको कट भी लगा था, और उसको फादर बोलते कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला, और वो इतनी समझदार थी, उसको बोली थी कि आप तो हमें बचा रहे थे उस टाइम, मैं आपको परेशान नहीं करती। अब क्या हो जाता है, जनवरी 3 को पंप्स हैड, अब इन्होंने जो ये पंप की वजह से वाटर लेवल को थोड़ा सा क्या कर लिया होता है, कंट्रोल कर लिया होता है, अभी रोटेशन में काम करते एक दो घंटे, फिर दूसरा दो घंटे तो रेस्ट कर ले, अभी भी लीक होता है, और जब ये चेक कर ले जो वाटर लाइन होती है वहाँ पे भी अभी लीक होता है, ठीक है, और जो मेन फ्रेम्स होते हैं वो पूरे खराब हुए होते हैं, ठीक है, और स्टार बोर्ड सेक्शन जो है वो टूटा हुआ, क्योंकि वो लकड़ी का बना होता है। अब इन्होंने 15 आवर्स अच्छे से, ये जो वेव हिट कर गई थी इनको बड़ी, ये अब चले जा रहे थे, अब इनको पता था इनको ऑस्ट्रेलिया जाना है, लेकिन ये वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन इसने कैलकुलेशंस की कि उधर पे दो छोटे आइलैंड्स आते हैं, और वो कुछ ही किलोमीटर्स है ईस्ट के साइड से, आइल एम्स्टर्डम, वो उन फ्रेंच लोगों का है, वहाँ पे उनकी साइंटिफिक बेस है, ठीक है। तो अब इनकी सिर्फ यही होप थी, और जो इनका ऑक्सिलरी इंजन जो था वो भी अब ख़राब हो चुका था। अब जनवरी 4 को 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, अब कुछ ही पानी बचा था इनकी बोट में, ठीक है। अब ये मेन जो मास्ट है वहाँ पे सेल नहीं कर सकती, क्योंकि वो ख़राब हो चुका था। अब इन्होंने एक हॉइस्ट किया स्ट्रॉन्ग जिम, ठीक है, उसके बाद जो ये दो आइलैंड्स इनके दिमाग में था, इन्होंने बोला कि हम वहीं जाएंगे, और आफ्टर 2 डेज इन्होंने कुछ नहीं खाया था। अब इनको मिल जाता है कॉर्न्ड बीफ और क्रैकर बिस्किट, ठीक है, तो ये लोग ये खाते हैं। अब इनको पता था कि अब जो है थोड़ा ही इनको आराम मिला था, लेकिन 4 बजे की क्या होता है, फिर से क्लाउड्स, काले बादल छा जाते हैं, फिर से हवा तेज चलती है, और इस टाइम पे स्पीड होती है 40 नॉट्स की। अब विंड वेदर जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है जनवरी 5 को, और सिचुएशन फिर से ख़राब हो जाती है, और ये अपने बच्चों के पास गया और उनको बोलता है, उनको थोड़ा कंफर्ट करने गया, तो वहाँ पे इसका जो बेटा है वो उसको बोलता है, डैडी आर वी गोइंग टू डाई। नरेटर जो है अपने बेटे को वो एश्योरेंस देता है कि नहीं कुछ है, लेकिन यहाँ से उसका जो बेटा है वो बोलता है, वी आर अफ्रेंड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। सो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, उसका जो बेटा, छोटा बेटा होता है इतना, वो बोलता है अगर हम साथ में होंगे तो डर नहीं लगता हमें मरने से भी, ठीक है।
मम्मा, आप, मैं और सुई। तो बोलता है मुझे कुछ वर्ड्स नहीं मिले, मैं इसको, मैं वहां से चला गया। और मैं अब क्या, ये जो स्टार बोर्ड था काफी ज्यादा वीक हो गया था। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं थोड़ा सा, वो जो इनका एंकर था वो भी खराब हो गया था, उसने खुद से बनाने की, जैसे इसने क्या लिया, नायलॉन रोप्स ली, प्लास्टिक बैरल्स और पैराफिन के जो थे वो लिए, वो एटलीस्ट 22 लीटर्स जिसमें कैपेसिटी होती है। तो इसने मैरी का हाथ पकड़ा और उसको ऐसा फील हो रहा है कि हमारा जो एंड है अब नज़दीक है। लेकिन ये जो वेव वॉकर है, अगले दिन मॉर्निंग में ये इसने इजिली, इस ये जो तूफान आया था इजिली इसको पास कर दिया। अब ये अपने चार्ट रूम में गया और वहाँ पे कैलकुलेशंस करने लगा कि हमें किस स्पीड में जाना है, कहाँ जाना है, क्योंकि इनको वहाँ आईलैंड पे जाना था। जब ये वाइल आई वॉज थिंकिंग, इसी में इसकी बेटी आ गई। उसको काफ़ी पेन हो रहा था, काफ़ी स्वेलो हो गया, तो उसकी आँख जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो गई थी। और उसने उसको कार्ड दिया जिसमें कैरिकेचर्स बनाए थे, कैरिकेचर्स फ्रेंड्स कार्टून्स जैसे बनाए हुए थे, ठीक है, और कुछ फनी से पीपल। और वो हंसने लगा, आई लव्ड अ लॉट एज वेल। और वहां पे क्या लिखा था, आई लव यू बोथ। सो ये एक थैंक यू कार्ड था, ठीक है। फिर से इसने अपनी कैलकुलेशन चेक की। अब इनकी जो लास्ट होप थी, कुछ कैलकुलेशंस के बाद 2 बजे के करीब डेक पे जाता है और लैरी को बोलता है कि 185 पे आप, 185 डिग्री पे आप इसको घुमा रहो, अगर हम लकी हैं तो हम आइलैंड मिल जाएगा, हम आइलैंड पे 5 बजे तक पहुँचे जाएंगे। विद अ हीवी हार्ट, इसका दिल काफ़ी घबरा रहा था, उसको नहीं पता था कि हम पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, उसको नींद पड़ गई थी। और 6 बजे के करीब जब उठता है, अंधेरा हुआ होता है, तो उसको पता होता है कि हमें आइलैंड नहीं मिला, वी मिस्ड इट, और कोई होप नहीं थी। इसी में क्या आ जाता है, इसका बेटा आ जाता है, बोलता है कैन आई हैव अ हग। एंड सू उसके पीछे थी, उसको बोलता है कि वाई एम गेटिंग अ हग नाउ, बिकॉज यू, आप क्या हो, वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हो। वो बोलता है नहीं तो, यू मस्ट बी, यू इन मैटर ऑफ फैक्ट वाइज यू फाउंड द आईलैंड। और वो चिल्ला के बोलते हैं कि हमें आईलैंड मिल गया, और इकट्ठे बोलते हैं, ठीक है। जल्दी से डेक पे चला जाता है और वहाँ पे क्या देखता है, वहाँ पे ये आईलैंड एम्स्टर्डम को देखता है। इट्स अ बिग पीस ऑफ वॉल्केनो क्रॉप और बिल्कुल कम वेजिटेशन होती है, एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल आईलैंड इन द वर्ल्ड। उन्होंने अपने जो बोट को है उसको एंकर कर दिया और अगले दिन वहाँ पे 28 इनहेबिटेंट्स, मैंने जैसे पहले, एक साइंटिफिक बेस है तो वहाँ पे गए और उन्होंने इनकी हेल्प कर, काफ़ी ज़्यादा खुश थे ये कि इतना ज़्यादा, मतलब रफेस्ट वेदर को उन्होंने फेस करके वहाँ पे आ गए। और ये आप सोच रहा है, इसकी जो बेटी थी वो इतनी ज़्यादा समझदार है कि उसकी जो हेड इंजरी हो गई, इवन उसकी फिर 6 माइनर ऑपरेशंस हो गए क्योंकि ब्लड क्लॉट होता था, उसका जो बेटा था बिल्कुल उसको डर नहीं लगता था मरने। स्टोरी एंड हो जाती है। आई होप आपको चैप्टर अंडरस्टैंड हो गया। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।